Hi everybody. Today we are going to discuss about the inquest report, types of inquest and inquiry officers. देखिए inquest के meaning क्या है, inquest किसको कहते हैं. Inquest को आम लफ्जों में हम inquiry या तफ्तीश का नाम भी देते हैं, तफ्तीश का नाम देते हैं. यानी कि इंक्वेस्ट के जो मीनिंग है, इंक्वेस्ट मीनिंग होता है आपका लीगल और जुडिशियल इंक्वायरी, लीगल और जुडिशियल इंक्वायरी टू असर्टेन मैटर ऑफ फैक्ट. यानी कि किसी भी सच्चाई को जानने के लिए, किसी भी सच्चाई का पता लगाने के लिए जो पूछताछ की जाती है, जो इंक्वायरी की जाती है, उसको हम इंक्वेस्ट कहते हैं. फॉरेंसिक वर्क में यानी कि लॉ के अंदर इंक्वेस्ट मीनिंग होता है इंक्वायरी इनटू कॉज ऑफ डेथ. इंक्वायरी इनटू कॉज ऑफ डेथ यानी कि अगर कहीं पर किसी तरह का कोई डेथ हुई है और उसमें कोई शक पैदा होता है कि ये मर्डर हो सकता है या आत्महत्या हो सकती है या कोई एक्सीडेंट हो सकता है या पॉइजनिंग का केस हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी मौत का कॉज जानने के लिए जो इंक्वायरी की जाती है उसी को हम जो है आपका इंक्वेस्ट का नाम देते हैं. उस कंडीशन जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो उस कंडीशन में जरूरी होता है कि कॉज ऑफ डेथ मालूम किया जाना कि वो नेचुरल डेथ थी या अननेचुरल डेथ थी. अगर वो नेचुरल डेथ है, इफ नेचुरल, अगर नेचुरल डेथ है तो वो बॉडी को डिस्पोज किया जा सकता है. लेकिन अगर अननेचुरल डेथ है, अगर अननेचुरल डेथ है जैसे मर्डर है, पॉइजनिंग है, होमिसाइड है, सॉरी क्या नाम, सुसाइड का केस है, एक्सीडेंटल का केस है, ऐसी तमाम कंडीशंस में एक अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन जरूरी होता है, अर्जेंट पूछताछ जरूरी होते हैं, जिससे एक तो कल्प्रिट तक पहुंचा जा सके, उसको सजा दिलाई जा सके और सच्चाई का पता लगाया जा सके. तो इनटू द कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ मालूम करने के लिए जो इंक्वायरी की जाती है उसी को हम इंक्वेस्ट का नाम देते हैं, जिससे किसी इनोसेंट पर्सन को कोई सजाना हो लेकिन जो कल्प्रिट है उसको जो है पनिशमेंट मिल सके, कानून को एक मदद मिल सके अपना फैसला करने में. जो इस तरह की डेथ्स होती हैं वो डेथ्स कौन सी होती हैं, जैसे अचानक मौत हो जाना, सडन डेथ. यानी कि हमने देखा कि शाम को आदमी अच्छा खासा था या अभी आधा घंटा पहले हमसे मिला और कुछ वक्त बाद पता लगा कि अचानक उसकी मौत हो गई, तो ऐसी कंडीशन में एक शक पैदा होता है तो उस कंडीशन में उसकी कॉज ऑफ डेथ मालूम होना बहुत जरूरी है. जिसका कॉज ना मालूम हो तो उसको कॉज जानना जरूरी है. सुसाइड के केसेस में आपका, यानी कि आत्महत्या के केसेस में या होमिसाइड के केसेस में, यानी कि कत्ल वगैरह या जान से किसी को मार दिया जाता है, तो उस कंडीशन में, या इन्फेंटिसाइड यानी कि जो छोटा सा बच्चा है उसका कत्ल हो जाता है या वो मर जाता है, तो उस कंडीशन में कोई शक पैदा होता है तो वहां पर जो है जो जांच की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, इंक्वेस्ट कहते हैं. और दूसरी डेथ्स कौन सी है, डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, पॉइजनिंग या ड्रग मिशन. यानी कि कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ, हम देख रहे हैं कि हमारे सामने एक्सीडेंट हुआ, लेकिन हो सकता है वो एक्सीडेंट ना हो, जानबूझ के उसको धक्का मारा गया हो, जानबूझ के उसके साथ एक्सीडेंट किया गया हो, तो उस सूरत में भी कॉज जानना बहुत जरूरी होता है. पॉइजनिंग का केसेस हो सकता है एक्सीडेंटली पॉइजन लिया गया हो, एक्सीडेंटली कोई ऐसा चीज खाई गई हो जिससे आदमी की मौत हो गई लेकिन वो पता लगा वो पॉइजन था. जैसे आमतौर से देखने में आता है आपका हाउस होल्ड पॉइजन्स में, जो घरों में रखे रहते हैं पॉइजन्स जो है उनको धोखे से आदमी ले लेता है, तो उस वक्त जो है एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है, या किसी को जहर दे के मारा गया है, या उस इंसान ने खुद जानबूझ के जहर खाया है, तो उस कंडीशन में आपका पॉइजनिंग के केसेज में भी इंक्वेस्ट की जरूरत पड़ती है. ड्रग मिशप्स यानी कि कहीं पर दवाई का जो है वो एक दुर्घटना हो गई है, मिशअप हो गई है, तो उस कंडीशन में भी आपका कॉज ऑफ डेथ मालूम करना जरूरी होता है. डेथ अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस यानी कि शक के दायरे में जो मौत हो रही है, जैसे कुछ हालात ऐसे बन रहे हैं जैसे कहीं पर आग लग गई है, वो आग लगी थी या लगाई गई थी, या कोई इंसान जल के मरा है, वो खुद जल के मरा है या किसी ने उसको जानबूझ के जलाया है. फॉल फ्रॉम हाइट, ऊपर से नीचे गिरा है इंसान या उसको गिराया गया है, तो उस कंडीशन में भी कॉज ऑफ डेथ मालूम करना जरूरी होता है. डेथ अंडर एनेस्थीसिया
यानी कि जब किसी का ऑपरेशन किया जाता है तो ऑपरेशन करने के लिए उसको बेहोश किया जाता है, तो बेहोश करने करते वक्त आदमी को ज्यादा एनेस्थीसिया दे दिया गया तो उस कंडीशन में भी इंसान की मौत हो सकती है, या जानबूझ के उसको ज्यादा एनेस्थेटिक डोज दे दी गई जिससे उसकी मौत हो जाए। ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन टेबल पर जो है या तो डॉक्टर की लापरवाही से या डॉक्टर ने जानबूझकर उसका ऑपरेशन गलत किया या ऑपरेशन में इतना ब्लीडिंग हो गई कि आदमी की मौत हो गई। पोस्ट ऑपरेटिव शॉक में और हेमरेज यानी कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने जाने की कंडीशन में, वो किसी भी हालात में हुई हो, हेमरेज जैसी कंडीशन में भी कॉज ऑफ डेथ मालूम करना जरूरी होता है। डेथ ऑफ कन्विक्ट इन जेल, यानी कि किसी सजायाफ्ता मुजरिम जो जेल में मौजूद है और उसकी डेथ हो जाती है तो वहां पर भी उसकी मौत का कॉज जानना जरूरी होता है। पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है तो उसमें भी उसका जो है आपका कॉज ऑफ डेथ मालूम करना जरूरी है। मेंटल हॉस्पिटल में अगर किसी की डेथ हो जाती है, मेंटल हॉस्पिटल पागलों के अस्पताल में किसी की डेथ हो जाती है, उसमें भी मौत की वजह जानना जरूरी होता है। मीन्स जो है आप ये समझ सकते हैं कि ऑल अननेचुरल कॉजेज जो शक के दायरे में आ रही हैं, तो उन सभी डेथ्स का कॉज मालूम करने के लिए जो इंक्वायरी की जाती है उसी को हम इंक्वेस्ट का नाम देते हैं, उसी को हम इंक्वेस्ट कहते हैं। वो चाहे मौत किसी भी तरह हुई हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, होमिसाइड हो, या आपका पॉइजनिंग का केस हो, और जो है आपका सुसाइड का केस हो, ऑपरेशन टेबल पर हो, बर्न जलने की वजह से हुआ हो, फॉल फ्रॉम हाइट की वजह से हुआ हो, तो इन सब कंडीशंस में जो है कॉज ऑफ डेथ मालूम करना जरूरी होता है। और कॉज ऑफ डेथ मालूम करने फॉरेंसिक वर्क में कॉज ऑफ डेथ मालूम करने को ही हम इंक्वेस्ट का नाम देते हैं। उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट। टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट, इंक्वेस्ट की कितनी टाइप्स हैं? देखिए इंक्वेस्ट जो है वो आपका तीन तरह से होती है, तीन टाइप्स होती हैं इसकी। नंबर एक पुलिस इंक्वेस्ट, नंबर एक पुलिस इंक्वेस्ट, नंबर टू मैजिस्ट्रेट्स इंक्वेस्ट एंड नंबर थ्री कोरोनर्स इंक्वेस्ट। तीन तरह की जो है इंक्वेस्ट होती है, नंबर एक पुलिस इंक्वेस्ट, नंबर टू मैजिस्ट्रेट्स इंक्वेस्ट और नंबर थ्री कोरोनर्स इंक्वेस्ट। पुलिस इंक्वेस्ट, पुलिस इंक्वेस्ट हम किसको कहते हैं? पुलिस इंक्वेस्ट कहते हैं यानी कि किसी भी मौत का कॉज जानने के लिए किसी हर तरह की, चाहे वो जो सस्पिशियस के केस में आया है, जो शक के दायरे में आया है, कहीं पर बॉडी मिली है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले जो है आपका पुलिस इंक्वेस्ट जरूरी होता है। लेकिन जहां पर मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कर रहा होता है पुलिस इंक्वेस्ट नहीं होती है। पुलिस इंक्वेस्ट यानी कि जितने भी अननेचुरल डेथ्स उसके इलाके में हुई है किसी भी पुलिस स्टेशन के इलाके में, उन सब की जांच करना पुलिस इंक्वेस्ट कहलाता है, एक्सेप्ट वेयर द मजिस्ट्रेट इज इन्वॉल्व। जहां पर मजिस्ट्रेट इन्वॉल्व है वहां पर पुलिस इंक्वेस्ट नहीं होगा। मजिस्ट्रेट्स इंक्वेस्ट कहां पर होती है? मजिस्ट्रेट्स इंक्वेस्ट जो है किन जगहों पर होती है? जब किसी की डेथ हो जाती है, यानी कि जैसे आपका कन्विक्ट इन जेल, जेल में किसी इंसान की मौत का हो जाना, या पुलिस कस्टडी के अंदर मौत हो जाना, या पुलिस फायरिंग के अंदर मौत हो जाना, या आपका कोई एग्जुमेशन का केसेस है यानी कि कब्र खोद के लाश को बाहर निकालना है, उन सब केसेस में, या आपका जो है मेंटल हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो जाती है, तो उन सभी कंडीशंस में, उन सभी हालात में मजिस्ट्रेट्स की इंक्वायरी जरूरी होती है। तो वहां पर पुलिस जो है आपका इंक्वेस्ट नहीं करती है, पुलिस इंक्वायरी नहीं करती है, बल्कि इन हालात में जहां पर पुलिस या महकमा कोई भी इन्वॉल्व है इस तरह का गवर्नमेंट का, तो वहां पर जो इंक्वेस्ट होती है, इंक्वायरी होती है, वो आपका मजिस्ट्रेट्स इंक्वेस्ट कहलाती है। नंबर थर्ड कोरोनर्स इंक्वेस्ट। कोरोनर्स इंक्वेस्ट यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज होते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरियाज कहते हैं जहां की आबादी 10 लाख से ज्यादा हो, तो उन एरियाज को मेट्रोपॉलिटन एरियाज या मेट्रो सिटीज आप समझ सकते हैं कि मेट्रो सिटीज उनको कहा जाता है। तो उन मेट्रो सिटीज में जितनी भी अननेचुरल डेथ्स हैं वहां पर जो कॉज ऑफ डेथ मालूम करता है या इंक्वायरी करता है तो वो कोरोनर करता है, तो वहां की इंक्वेस्ट को जो है आपका कोरोनर्स इंक्वेस्ट कहा जाता है। तो ये था आपका इंक्वेस्ट, टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट। इंक्वेस्ट को एक जनरली सी बात सिंपली सी समझा देता हूं कि इंक्वेस्ट मींस क्या होता है। जनरली इसके मीनिंग होते हैं लीगल और जुडिशियल इंक्वायरी टू असर्टेन मैटर ऑफ फैक्ट। किसी भी सच्चाई का पता लगाने के लिए जब कोई जांच की जाती है तो उसको हम इंक्वायरी या इंक्वेस्ट का नाम देते हैं। लेकिन फॉरेंसिक वर्क में लॉ के अंदर जो
इंक्वेस्ट होती है वो होती है किसी भी कॉज ऑफ डेथ मालूम करना इन अननेचुरल केसेस. अननेचुरल डेथ्स के अंदर कॉज मालूम करना डेथ का कि किस वजह से मौत हुई है, तो उसको हम जो है आपका इंक्वेस्ट कहते हैं. अगर नेचुरल डेथ है तो बॉडी को डिस्पोज कर दिया जाता है, और अगर अननेचुरल डेथ्स है, अननेचुरल डेथ है, तो वहां पर एक इंक्वायरी एक नेसेसरी हो जाती है, एक जांच, जिससे एक तो कल्प्रिट को, अपराधी को, ऑफेंडर को पकड़ने में मदद मिले, कानून को सजा देने में सहायता मिले. तो उस कंडीशन में कॉज ऑफ डेथ मालूम करना बहुत जरूरी होता है उन सब कामों के लिए भी. कॉज ऑफ डेथ किन किन कंडीशन में हम मालूम करते हैं, किस तरह के केसेस में कहते हैं, यानी कि सडन डेथ्स की कंडीशन में, अचानक मौत हो गई तो उस कंडीशन में हो सकता है शक पैदा हो जाए कि ये नेचुरल हो या अननेचुरल हो. अगर नेचुरल है तो कॉज जरूरी है. ड्यू टू एक्सीडेंट, पॉइजनिंग, ड्रग मिशअप, डेथ अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस लाइक बर्न, फॉल फ्रॉम हाइट, डेथ, डेथ अंडर एनेस्थीसिया, ऑन ऑपरेशन टेबल, पोस्ट ऑपरेटिव शॉक, हेमरेज. आपका डेथ इन, डेथ ऑफ कन्विक्ट इन जेल, पुलिस कस्टडी, मेंटल हॉस्पिटल वगैरह वगैरह. टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट, टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट जो है वो तीन तरह की होती है. नंबर एक, पुलिस इंक्वेस्ट, ऑल सस्पिशियस जो डेथ्स हैं जिनका कॉज ऑफ डेथ मालूम करना है, जहां पर मजिस्ट्रेट इन्वॉल्व ना हो वहां पर जो इंक्वायरी होती है, इंक्वेस्ट होती है, उसको हम पुलिस इंक्वेस्ट कहते हैं. नंबर टू, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, यानी कि गवर्नमेंट उपक्रम के अंदर, जैसे जेल के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर, या पुलिस फायरिंग के दौरान, मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जो डेथ्स हो जाती है उनकी जो इंक्वायरी होती है उसको हम आपका मजिस्ट्रेट्स इंक्वेस्ट कहते हैं. कोरोनर्स इंक्वेस्ट, यानी कि जहां मेट्रो सिटीज में, मेट्रोपोलिटन एरियाज में जहां की आबादी 10 लाख से ज्यादा हो, वहां पर अननेचुरल डेथ्स के कॉज मालूम करने के लिए कोरोनर अपॉइंट होता है, और वो कोरोनर ही आपका कॉज ऑफ डेथ मालूम करता है. अभी हम डिस्कस कर रहे थे आपका इंक्वेस्ट, टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट. अब देखिए, इंक्वेस्ट के टाइप्स में हमने बताया था आपको, नंबर एक पर बताया था आपका पुलिस इंक्वेस्ट. पुलिस इंक्वेस्ट, अब आता है आपका पुलिस इंक्वेस्ट एंड इंक्वेस्ट रिपोर्ट, या पंचनामा भी इसको कहते हैं, पंचनामा. देखिए, जितनी भी अननेचुरल डेथ्स, अननेचुरल डेथ्स हैं, उनके बारे में इंक्वायरी जहां पर मजिस्ट्रेट का इन्वॉल्वमेंट ना हो, मजिस्ट्रेट्स इंक्वेस्ट ना हो, उन सभी जगहों पर अननेचुरल डेथ्स की कंडीशंस में उनका कॉज ऑफ डेथ मालूम करने के लिए पुलिस इंचार्ज जो है, वो आपका इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन इंक्वायरी कराता है. तो जो अधिकारी या पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी करता है या इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाता है, उसको हम आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहते हैं, जो कि कम से कम यूजुअली सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर होता है. यूजुअली एक सब इंस्पेक्टर, वैसे तो हेड कांस्टेबल भी कर सकता है, लेकिन यूजुअली जो है आपका सब इंस्पेक्टर इस तरह की डेथ्स में इंक्वायरी करता है, तो और उसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहते हैं. वो इन्वेस्टिगेशन करता है. जब उसको किसी भी अननेचुरल डेथ्स की इंफॉर्मेशन मिलती है, अननेचुरल डेथ की इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो एक्सीडेंट से हुआ हो, या आत्महत्या हो यानी कि सुसाइड हो, या होमिसाइड का केस हो, उस कंडीशन में वो अपने आला अधिकारियों को या नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन देकर आपका प्रोसीड करता है प्लेस टू द इवेंट या प्लेस टू द ऑफेंस, जहां पर आपका ये घटना घटी है या जहां पर ये अपराध हुआ है. वो अपने आला अफसरों को, अपने हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करके इंक्वायरी के लिए निकल जाता है, और वहां पहुंचकर, वहां पहुंचने के बाद वो आसपास के जो रेस्पेक्टेड पर्सन हैं या जो विटनेस हैं वहां पर, वो दो या दो से ज्यादा हैं, उनके साथ मिलकर उसकी जांच करता है, वहां के हालात को देखते हैं. तो उन सबके ओपिनियन के बाद एक रिपोर्ट बनती है, जिसको हम इंक्वेस्ट रिपोर्ट
या पंचनामा कहते हैं, इंक्वेस्ट रिपोर्ट या पंचनामा कहते हैं। और जो वो दो लोग उन्होंने, दो या दो से ज्यादा लोग उन्होंने अपने साथ शामिल किए, आईओ ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो कि सराउंडिंग्स के या आसपास के दो रेस्पेक्टेबल पर्संस जो हैं, या दो विटनेस जो हैं, या दो से ज्यादा विटनेस अपने साथ लेकर उसका मुआयना करता है बॉडी का, वहां के हालात का, और फिर उन लोगों को जो वहां पर उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, विटनेस सेलेक्ट किए हैं, उनको पंचाज का नाम दिया जाता है। और जब उनकी राय से एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और इनटू द कॉज ऑफ डेथ, यानी कि मौत की वजह मालूम करने के, मौत की वजह के सिलसिले में अपनी एक राय कायम करता है, तो उस पंचों की मदद से, उन पंचाज की मदद से, तो उस रिपोर्ट को हम इंक्वेस्ट रिपोर्ट या पंचनामा कहते हैं। वो रिपोर्ट तैयार कर लेता है। उसके बाद अगर उसको ये लगता है कि बॉडी जो है, यानी कि डेथ जो हुई है, वो नेचुरल कॉज से हुई, अगर उसको ये लग रहा है कि मौत जो है वो आपका एक नेचुरल कॉज से हुई है, नेचुरल डेथ है, तो वो बॉडी को डिस्पोज करने के लिए ऑर्डर कर देता है, ऑर्डर कर सकता है। लेकिन अगर उसको फाउल प्ले दिख रहा है, कोई शक जाहिर हो रहा है अबाउट द कॉज ऑफ डेथ में, यानी कि उसको लग रहा है कि ये अननेचुरल डेथ हो सकती है, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, चाहे वो होमिसाइड हो, एक्सीडेंट हो, सुसाइड हो, किसी भी तरह की हो, बर्न का केस हो, फॉल फ्रॉम हाइट हो, तो वो किसी भी तरह का केस हो, उसको शक लग रहा है कि ये अननेचुरल डेथ हो सकती है, तो वो फिर बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम के लिए या ऑटोप्सी के लिए मोर्चरी को रवाना कर देता है, एक रिक्विजिशन के साथ, एक रिटन रिक्वेस्ट के साथ, उसी को हम रिक्विजिशन कहते हैं, जिसमें आपका आपका इंक्वेस्ट रिपोर्ट और पंचनामा जो है उसके साथ लगाकर एक रिक्विजिशन लिखकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर देता है। उसके बाद बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, बॉडी का पोस्टमार्टम वहां पर मेडिकल अफसर जो गवर्नमेंट की तरफ से डिप्यूट हुआ होता है, वो आपका उस बॉडी का पोस्टमार्टम करेगा, और पोस्टमार्टम करने के बाद एक ट्रिपल कॉपी में रिपोर्ट तैयार करेगा इनटू द कॉज ऑफ डेथ। उसमें वो चीज जरूरी शामिल करनी होती है, कॉज ऑफ डेथ, उसके तीन कॉपीज तैयार करेगा, एक वो आईओ को सौंप देगा, एक वहां के उस डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी या एसपी, जो भी वहां पर हायर अथॉरिटी होगी, हायर पुलिस का ऑफिसर होगा, उसको भेज दी जाएगी, और तीसरी कॉपी सीएमओ ऑफिस में, यानी कि हॉस्पिटल के ऑफिस में, सीएमओ ऑफिस में, उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए, यानी कि कभी अगर उसको गवाही के लिए जाना पड़े और उसको रिपोर्ट देखनी पड़े, तो एक कॉपी जो है वो ऑफिस में फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेता है। तो इस तरह से ये उसके बाद ही कोर्ट में केस जो है वो चलता है, ट्रायल पर जो है केस जाता है। तो ये था आपका पुलिस इंक्वेस्ट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट या पंचनामा। एक बार फिर बता देता हूं, देखिए पुलिस इंक्वेस्ट यानी कि वो तमाम अननेचुरल डेथ्स में जहां मजिस्ट्रेट का इन्वॉल्वमेंट ना हो, तमाम अननेचुरल डेथ्स में कॉज ऑफ डेथ मालूम करने के लिए जो इंक्वायरी की जाती है पुलिस के जरिए, उसको हम पुलिस इंक्वेस्ट कहते हैं, उसको हम पुलिस इंक्वेस्ट कहते हैं। तमाम अननेचुरल डेथ्स के अंदर कॉज मालूम करने के लिए जो अधिकारी या जो पुलिस ऑफिसर इस रिपोर्ट को तैयार करता है, इस इंक्वायरी को करता है, इस इंक्वेस्ट को करता है, उसको हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहते हैं। और वो आम तौर पर सब इंस्पेक्टर की रैंक का होता है, सब इंस्पेक्टर की रैंक का होता है। जब उसको इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहीं पर कोई घटना हुई है, तो वो अपने आला अधिकारियों को, अपने हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करके प्लेस ऑफ ऑफेंस तक या प्लेस ऑफ इवेंट तक पहुंचता है, और वहां पहुंचने के बाद वो वहां के आसपास के दो या दो से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेकर एक रिपोर्ट तैयार करता है। उन लोगों को जो उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, उनको पंचाज कहा जाता है, और जो उनकी राय से और सर्कमस्टांस को देख के कॉज ऑफ डेथ के बारे में जो अपनी राय वो लिखता है या तैयार करता है, तो उस रिपोर्ट को इंक्वेस्ट रिपोर्ट या पंचनामा कहा जाता है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट या पंचनामा कहा जाता है। और अगर उसको ये लग रहा है कि बॉडी सही सलामत, मतलब नेचुरल कॉज है, तो बॉडी को डिस्पोज करने के लिए कह देता है। लेकिन अगर उसको शक हो रहा है, कोई फाउल प्ले नजर आ रहा है, तो फिर वो बॉडी को सील करके एक रिक्विजिशन और इंक्वेस्ट रिपोर्ट के साथ जो है वो आपका मेडिकल अफसर, यानी कि मोर्चरी में मेडिकल अफसर के पास भेज देता है पोस्टमार्टम के लिए।
आफ्टर पोस्टमार्टम डॉक्टर जो है पोस्टमार्टम करेगा, जो गवर्नमेंट से डिप्यूट हुआ होगा, पोस्टमार्टम करने के बाद वो 3 ट्रिपल कॉपी में उसको तैयार करेगा और एक कॉपी आईओ को दे दी जाएगी, एक कॉपी वहां के हायर जो पुलिस ऑफिसर होगा यानी के एसएसपी या एसपी वहां पर भेज दी जाएगी और तीसरी कॉपी फ्यूचर रेफरेंस के लिए ऑफिस में रख ली जाएगी, सीएम ऑफिस में अवेलेबल रहेगी ताकि अगर उसको बाद में केस वगैरह में एविडेंस के लिए गवाही के लिए जाना पड़ता है तो वो वहां से उसको प्रिपेयर कर, उसको वहां से उसकी तैयारी कर सके, वहां से उसको पढ़ सके या देख सके। तो तीसरी कॉपी जो है सीएमओ ऑफिस में, और उसके बाद इन तमाम सब कार्रवाइयों के बाद कोर्ट के अंदर केस ट्रायल पर आता है। ये था आपका पुलिस इंक्वेस्ट एंड इंक्वेस्ट रिपोर्ट। ओके, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। थैंक्स।